आज के इस वीडियो में हम बुकरम पट्टी से फिनिशिंग के साथ में नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये एक बुकरम पट्टी ली है। ये हमने पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी ली है जो एक साइड से इस तरह से चिकनी आती है, जो प्रेस करने से कपड़े से चिपक जाती है, और एक साइड से ये इस तरह से रफ आती है। आप नॉर्मल बुकरम पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने बुकरम पट्टी ली है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितना मार्जिन आप ड्रेस में रखें, ब्लाउज, कुर्ती, टॉप, जो भी आप तैयार करें, उतना ही मार्जिन आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लें। नेक विड्थ हमने रखी है 3 इंचेस, तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। जितनी भी आप नेक विड्थ रखें, उतना आप इस तरह से निशान लगा लें। गले की गहराई हमने रखी है 7 इंच, तो जितने भी आप गले की गहराई रखना चाहें उतने पे आप मार्क कर लें। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गला हम राउंड ही रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने शेप ड्रॉ कर दी है। अब 0.75 से 1 इंच चौड़ी हम ये पट्टी कट करेंगे, बुकरम पट्टी। तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक हमने राउंड रखा है, तो राउंड शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप नेक में कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से डिजाइन ड्रॉ करके इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लें इसके बाहर की तरफ। तो ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर ये हमने 1 इंच से थोड़ा कम हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है बुकरम पट्टी की। अब यहाँ पर हम इसे पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने से ये बुकरम पट्टी हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ से भी इस तरह से शेप में कट कर लेते हैं। ये हमने नेक के लिए राउंड शेप में ये बुकरम पट्टी कट कर ली है। ये हमने मेन फैब्रिक में से एक फैब्रिक का पीस लिया है। हमने नेक की जो शेप कट करी है, इसका जो चिकना वाला साइड है, उसे हम कपड़े की तरफ करके रखेंगे। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। गले की चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, और इस निशान से 6 इंच पर हम दूसरा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से दोनों साइड के निशानों पर इस बुकरम पट्टी को हम बराबर से इस तरह से सेट करके रखेंगे। यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर प्रेस करके हम इसे अच्छी तरह से चिपका लेते हैं। अगर आप नॉर्मल बुकरम पट्टी का यूज करते हैं, तो उस पर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी कपड़े के साथ में। तो देखिए, हमने इसके ऊपर प्रेस करके इसे कपड़े के साथ में चिपका लिया है। अब इसके बाहर की तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से भी जो अनइवन कपड़ा है,
उसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने अनइवन फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, बराबर से रखेंगे इसे। और इसके बिल्कुल सेंटर में हम नाखून से इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमने इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन बना ली है। बाहर की तरफ के एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बुकरम पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड करने के लिए आप इस तरह से पिन का या सुई का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बुकरम का यूज करते हैं नेक बनाने के लिए, तो नेक कट करने के बाद में बुकरम को आपको कपड़े के ऊपर रखकर उसके ऊपर सिलाई लगाकर कपड़े के साथ में सेट करना होगा। तो ये हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा ली है इस पर। अब ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है, इस पर हम ये नेक बनाएंगे। तो इसके भी सेंटर पॉइंट पर हम इस तरह से नाखून से हल्का सा प्रेस करके हम लाइन बना लेते हैं। तो देखिए, हमने सेंटर पॉइंट पर बिल्कुल सीधी हमने ये लाइन बना ली है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर कट लगाकर पहले से मार्किंग कर रखी है। ये हमारा कुर्ती का सीधा साइड है, तो कुर्ती के सीधे साइड हम इस पीस को इस तरह से रखेंगे और सेंटर लाइन को बिल्कुल मिलाते हुए और ऊपर वाले कट को भी मिलाते हुए हमें इसे बराबर से सेट करके रखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सेंटर लाइन बिल्कुल मिला के रखी है और यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब हम इस पर अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए कपड़े पर सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। नेक की ये सिलाई आप ध्यान से लगाएं, इसको लगाने में जल्दीबाजी नहीं करें। यहाँ से देखिए, हमने बिल्कुल सेंटर लाइन को मिलाते हुए इस सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने नेक पर सिलाई लगा ली है, अब हम पिंस निकाल देते हैं। अब हम नेक को कट करेंगे, तो यहाँ पर कपड़े का थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से इसे कट कर लेते हैं।
देखिए हमने नेक को कट कर लिया है और ये पीस हमने यहाँ से कट करके इस तरह से निकाल लिया है। अब नेक पर अंदर की तरफ हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए आपने जो सिलाई लगाई है उस पर कट नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेते हैं। ये हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से उल्टे साइड टर्न कर देते हैं। अब नेक पर हम अच्छी तरह से प्रेस करके इसे सेट कर लेते हैं। ये हमने नेक पर अच्छी तरह से प्रेस करके इसको सेट कर लिया है। उल्टे साइड भी हमने इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ पर नेक का ही जो उठा हुआ पार्ट है इस पर हम हाथ से ही तुरपाई करके इसे सेट करेंगे। तो इसके लिए हम सुई में धागा डालेंगे और सिंगल धागे से हमें तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर हम पिनअप कर लेते हैं इसे जिससे कि हम बराबर से तुरपाई कर सकें। ये हमने पूरे गले पर तुरपाई करके इसे फिनिश कर लिया है। सीधे साइड में भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में ये नेक बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी बुकरम पट्टी से कुर्ती, ब्लाउज या टॉप का गला तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।